हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल लोवंशी एंड यू आर वाचिंग अयोध्या क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। एक क्विज कॉम्पिटिशन में करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव यानी कि प्लस में मार्क्स दिए गए एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्क्स दिए गए। ओके, इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, अगर जैक का 5 राउंड जैक ने खेले, ओके, तो 5 राउंड्स के बाद जैक का स्कोर रहा 25, एक में, सेकंड वाले में -5, देन -10, 15 और 10 रहा। ओके, तो हमको क्या बताना है, व्हाट वाज द टोटल एट द एंड। तो लास्ट में जैक के टोटल जो है नंबर कितने हुए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जैक को 5 राउंड्स में कितने मार्क्स मिले। ओके, तो लिखेंगे हम जैक्स स्कोर इन 5 कंसेक्यूटिव या 5 सक्सेसिव, कुछ भी लिख सकते हैं, 5 सक्सेसिव, है ना, यहां से हम क्वेश्चन में से लिख देंगे ये सब। ओके, 5 सक्सेसिव राउंड्स, 5 सक्सेसिव राउंड के बाद उसका स्कोर क्या रहा, उसके स्कोर हैं 25, -5, -10, 15 एंड 10। ओके, ये हमने क्या लिख लिए, उसके स्कोर्स लिख लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि उसके टोटल मार्क्स कितने हुए, टोटल नंबर कितने हुए। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्कोर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोटल स्कोर, उसका टोटल स्कोर क्या हुआ, सभी को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। तो देखिए, 25 प्लस किसको प्लस करेंगे, -5 को, फिर प्लस करेंगे किसको, -10 को, फिर प्लस करेंगे किसको, 15 को, एंड देन हम किसको प्लस कर देंगे, 10 को। ओके, तो चलिए अब क्या करना है हमको, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओके, ब्रैकेट किस तरीके से ओपन होगा हमारा, इन साइन का मल्टीप्लाई करके। ओके, इसकी वीडियो हम पहले आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो देखिए, 25 एज इट इज, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हमारा 5, ये प्लस माइनस, माइनस ये हो जाएगा 10, ये हमारा 15 एज इट इज हो जाएगा, और ये 10 भी हमारा एज इट इज। ओके, अब हमको क्या करना है, देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे हमारे जो प्लस वाले नंबर होते हैं उनको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, ये प्लस वाला है, ये है प्लस में और ये है प्लस में, सभी को प्लस कर देंगे। देखिए, 25 15 कितना हो जाएगा, ये 40 में 10 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ओके, और नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर लेंगे हम, प्लस कर लेंगे। ओके, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 35। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेक ने 35 स्कोर किया। ओके, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, आया समझ में। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 8 श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर में टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। ओके, एंड देन ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे, और नेक्स्ट डे 2 डिग्री सेल्सियस और ड्रॉप हो गया, मतलब नीचे चला गया। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे। ओके, हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि श्रीनगर में ट्यूजडे को टेम्परेचर कितना था। ओके, ऑन वेडनेसडे इट रोज अप बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को नेक्स्ट डे क्या हुआ, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो इस दिन टेम्परेचर क्या रहा, मतलब हमको ट्यूजडे का भी टेम्परेचर बताना है और वेडनेसडे का भी टेम्परेचर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ था कि टेम्परेचर मंडे को ये था। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे कि टेम्परेचर ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को टेम्परेचर कितना था हमारा, -5 डिग्री
सेल्सियस। ओके, ये हमारा मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ट्यूसडे को क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया मतलब नीचे चला गया। तो देखो अभी यहाँ पर 5 था, फिर 2 डिग्री ड्रॉप हो जाएगा तो 1 डिग्री यहाँ पर और 1 डिग्री यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा मतलब -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, लेकिन हमको किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूजडे। ओके, ट्यूजडे को टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो गया हमारा, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर कम होने के बाद अब ट्यूजडे को टेम्परेचर कितना हो गया, तो हम यह लिखेंगे अब कि टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे। ओके, तो देखिए -5 तो मंडे को था, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया मतलब माइनस हो गया। तो देखिए अब कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया यहाँ पर कि ट्यूसडे का टेम्परेचर। अब हमको क्या बताना है कि वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर था। देखिए क्या लिखा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को ये टेम्परेचर कितना हो गया, 4 डिग्री और इंक्रीज हो गया। देखिए अभी यहाँ पर था 7 पर था, ओके, यहाँ से 4 डिग्री इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएंगे हम, ऊपर। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 डिग्री इंक्रीज होने के बाद हमारे कहाँ पहुँच जाएंगे हम, -3 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमने डायरेक्ट पता कर लिया यहाँ पर। अब हमको किस तरीके से करना है वो देख लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे टेम्परेचर रोज अप ऑन वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे को टेम्परेचर हमारा कितना इंक्रीज हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो वेडनेसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा श्रीनगर का, देखिए -7 डिग्री सेल्सियस तो हमारा पहले था। ओके, 4 डिग्री क्या हो गया, इंक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया, प्लस हो जाएगा ये। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएंगे, माइनस, और 7 में से 4 को सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, आए समझ में, ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। आप चाहें तो इन आंसर्स को अलग से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में कि टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे को टेम्परेचर कितना रहा हमारा, -7 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या रहा हमारा, वेडनेसडे को -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके, एनी प्रॉब्लम, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।